राजस्थान के धौलपुर में अखिल राजस्थान सेवारत कोविड सहायक संघ के नेतृत्व में CHC की भर्ती को लेकर नर्सिंग छात्र आज 8 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला कलेक्टर RK जायसवाल नहीं कर रहे कोई सुनवाई। अखिल राजस्थान सेवारत कोविड सहायक संघ के नेतृत्व में छात्रों ने CMHO को धौलपुर को ज्ञापन दिया। छात्रों ने कहा कि राजस्थान सरकार में सभी जिलों के लिए 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती निकाली थी, जिसने धौलपुर जिले को छोड़कर सभी 32 जिलों में कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती पूर्ण हो चुकी है, लेकिन धौलपुर जिले में अभी तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इस मामले में छात्रों में कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। मेरा नमस्ते। धौलपुर जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA की भर्ती पूर्ण कराने के लिए हमने 7 दिन से लगातार कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। आज CMHO ऑफिस आए हैं। सर का कहना है कि पहले कलेक्ट्रेट साहब से ऑर्डर लेके आए तो मैं तो भर्ती निकाल दूंगा, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब के सर में जूं तक नहीं रह रही है। हमारी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। महिलाएं रोड पर बैठी हुई हैं। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए सम्मान दिया जाता है, बोला है महिला शक्ति जिंदाबाद, महिलाएं सबसे आगे रहेंगी, महिलाओं के लिए सम्मान। मगर महिलाओं के लिए क्या सम्मान? महिलाएं तो रोड पर बैठी हुई हैं। महिलाओं की जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो CHA की भर्ती थी, वो नर्सिंग स्टाफ के लिए, वो नर्सिंग स्टाफ की जगह ही नहीं निकाली। मैं नर्सिंग बेरोजगार छात्र धौलपुर से, जिले पूरे भारत पूरे राजस्थान में 25,000 वैकेंसियां निकाली गई थी, जिसमें कि धौलपुर जिले की वैकेंसियों को दबा दिया गया है, जिसमें प्रशासन का अहम हाथ है, और पूरा विधायक गण कोई भी इसमें सुनवाई नहीं दे रहा है। और हम आज 7वें दिन से धौलपुर कलेक्ट्रेट के सामने CHA की भर्ती को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन और कोई विधायक गण हमारे पास नहीं आया है और ना ही हमारी सुनवाई हो रही है। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।